वुडपैकर का भेजा फटके आखिर क्यों बाहर नहीं आता है? क्योंकि वो एक सेकंड में 20 बार चोंच मारता है पेड़ पे और उतने बीच में वो पेड़ को खोखला कर देता है। इतने देर में तो वुडपैकर का भेजा फटके बाहर आ जाना चाहिए था, मगर आखिर चलिए ये समझते हैं कि वुडपैकर आखिर एक बार में कितना फोर्स जनरेट करता है। जब वुडपैकर एक बार चोंच मारता है तो उस पे 1400 का जी फोर्स लगता है। ये इतना ज्यादा होता है कि एक इंसान पे अगर 100 जी फोर्स लग जाए तो वो उसी टाइम पे मर सकता है। अगर वुडपैकर 1400 जी फोर्स इसलिए झेल लेता है क्योंकि इसके दिमाग और सिर की हड्डी के बीच में एक फॉर्म जैसा मटेरियल लगा हुआ होता है जो कि एक पिलो यानी कि तकिए की तरह काम करता है, जो कि सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब करके दिमाग की चीतड़े करने से बचा लेता है।